हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवन स्पोर्ट्स टॉप एंड टू एन एक्साइटिंग न्यू वीडियो ऑन बैडमिंटन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं ऑन टॉप 5 बेस्ट बैडमिंटन शूज अंडर 5,000 रुपीज़। और हमेशा की तरह रैंकिंग जो है वो बेस्ड होती है प्लेयर सर्वे, पॉपुलैरिटी और सेल्स पे। वहीं आपको बता दूँ, कोई भी शू अपनी कैटेगरी अपनी प्राइस के हिसाब से कम नहीं होता। और दोस्तों दिवाली की सेल आसपास ही है, तो मैं डिस्काउंटेड लिंक्स जो हैं वो नीचे शेयर कर दूंगा, इनकेस आप लोग ब्राउज करना चाहें तो। और दोस्तों वीडियो में कहीं भी कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिए। इससे एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है और नया कंटेंट लाने की इच्छा बनी रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं रैकेट नंबर 5 की। मैं हूं आपका दोस्त पवन, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर है योनिक सुपर एस लाइट 2, जो पहले कोर्ट एस टफ 2 के नाम से जाना जाता था। और इस शू के बारे में मैंने पीछे वीडियो में एक बार बात भी की थी, और ये शू एक्चुअली मैं खुद भी यूज़ करता रहा हूँ। ये एक मल्टीपर्पज़ शू है, तो सिर्फ बैडमिंटन ही नहीं और इंडोर गेम्स जैसे कि टेबल टेनिस, स्क्वैश, वॉलीबॉल, आप इन सब के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और कुशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो एडवांस ट्रू कुशन टेक्नोलॉजी में पॉलीयूरेथेन का यूज़ करते हुए अश्योर किया गया है कि मैक्सिमम शॉक एब्जॉर्प्शन मिले और वहीं आपको क्विक कंप्रेशन रिकवरी मिले, मतलब सोल जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फटाफट आ जाता है, जैसे कि जब आप लैंड करते हैं तो एंकल और हील पे आपको सपोर्ट बनी रहे और कोई इंजरी या कहीं ट्विस्ट होने के चांसेस ना हो। और वहीं ये जो टो है, अगर आप देखेंगे टो का कंटूरिंग जो है बहुत ही स्मार्टली किया गया, जिससे कि आपका टो जो है वो स्टेबल रहता है खेलते हुए और उंगलियों में ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता है। और वहीं आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये स्वेट कंट्रोल के लिए हैं, और यहाँ पे थोड़ी मैश भी दी हुई है जिससे कि स्वेट जो है काफ़ी हद तक मैनेज रहता है। और यहाँ अगर हम देखें तो दोनों सोल्स के बीच में आपको ये एक कार्बन फाइबर की शीट मिलती है और साथ में कुशन सपोर्ट मिलता है जो दोनों सोल्स को आपस में कनेक्टेड रखता है, जिससे कि ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी और रोबस्टनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सॉफ्ट कोट, सैंड कोट या वुडन कोट के लिए शू जो है बिल्कुल परफेक्ट है। और इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 3,300 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन, और डिस्काउंटेड लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर है लीनिंग अल्ट्रा फ्लाई नॉन मार्किंग बैडमिंटन शू। जी हाँ, सिर्फ 310 ग्राम का, बहुत ही लाइट है। और लीनिंग का कहना है कि लाइट वेट कैटेगरी के शूज़ में ये लीडर है, मतलब राजा जी हैं ये। तो लीनिंग का कहना है कि उन्होंने आज तक का वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल यूज़ किया है इस शू को बनाने में, और वहीं उन्होंने एक मॉइस्चर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है जिसके अंदर एक ऐसा मटेरियल यूज़ किया है जो आपके स्वेट को कंट्रोल करता है। वहीं शू के अपर में सिंथेटिक लेदर और मेश का यूज़ किया है स्वेट कंट्रोल करने के लिए। इनर सोल में फाइलन का यूज़ किया है जो शू को लाइट बनाता है, और वहीं आउटर सोल में रबर है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं है, शू को लाइट भी बनाता है, वहीं मैक्सिमम शॉक एब्जॉर्प्शन और वहीं आपकी क्विक कंप्रेशन भी आपको मिलती है। डिज़ाइन की बात करें तो थोड़ा नैरोश है जूता, तो अगर आपका एवरेज पैर है या स्लिम पैर है तो उसके लिए ये शू जो है आपको बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। प्राइस की बात करें तो 3,900 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हो जाता है, डिस्काउंटेड लिंक्स नीचे शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर है योनिक्स SHB EX37 पावर कुशन बैडमिंटन शू। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये वही सीरीज़ है जिसके जूते जो है एक टाइम पर ली चोंग वी ने यूज़ किए थे, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी सही है या गलत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं एर्गोनॉमिक शेप ये ध्यान रखती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो टो की तरफ शिफ्ट हो जब भी आप टू एंड फ्रो मोशन करते हैं कोर्ट में, क्योंकि हम जानते हैं थंब जो है वो पैर की सबसे मोटी उंगली होती है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी पर होता है जब हम भागते हैं। तो ये चीज़ मैनेज करने के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया। वहीं शू जो है वो बहुत लाइट है, पावर कुशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, मतलब 20-25% शू जो है वो नॉर्मल जो शूज़ हैं उनसे लाइट है। 3-5% इसकी जो ग्रिप है, जो हेक्सा ग्रिप है, वो ज़्यादा बेहतर पकड़ आपको प्रोवाइड करती है। वहीं इनसोल के अंदर जो है पावर कुशन और ईवी है, जी हाँ ईवा जो है उसका यूज़ किया गया, और वहीं आउटसोल जो है वो रबर का है। तो ये तीन लेयर जो है पावर कुशन की, ये अश्योर करती हैं कि मैक्सिमम शॉक एब्जॉर्प्शन और आपको क्विक कंप्रेशन रिकवरी मिले। मटेरियल की अगर हम बात करें तो PU लेदर और पॉलिएस्टर मेश का यूज़ किया गया है जिससे स्वेट कंट्रोल जो है वो एकदम टॉप नॉच रहता है। वहीं आप ध्यान से देखेंगे तो सोल के नीचे लिखा गया है वाइट। जी हाँ, अगर आपका वाइट पैर है तो ये शू आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और वहीं हील में जो है राउंड सोल का यूज़ किया गया है, अगर आप देखें तो ये इसलिए है कि जब आप लैंड करते हैं तो इम्पैक्ट बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे कि आपकी हील पे और एंकल पे कोई प्रेशर ना आए और वो ट्विस्ट होने से जो है वो बच जाए। प्राइस की बात करें तो 4,700 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हो जाता है, डिस्काउंटेड लिंक्स नीचे शेयर कर दूंगा।
और यहाँ पर है लीनिंग अल्ट्रा 4 नॉन मार्किंग कुशन 2। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो योनिक्स में पावर कुशन टेक्नोलॉजीज होती है, ये उसी लेवल का शू है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी उसी लेवल की है। तो कुशन टेक्नोलॉजी में बात करें तो मिड सोल जो है हाई रिबाउंड मिड सोल है, मतलब ये कि जब आप जंप करते हैं तो आपका एफर्ट जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा रिड्यूस्ड होता है और आपको एक अच्छी जंप मिलती है। वहीं आउट सोल में जो पॉड्स हैं ये आपको दिख रहे हैं, ये अश्योर करते हैं कि आपको एक तो एडिड स्टेबिलिटी मिले, बैलेंस मिले, ड्यूरेबिलिटी मिले, वहीं मैक्सिमम शॉक एब्जॉर्प्शन और क्विक कंप्रेशन रिकवरी। वहीं हील ब्रेस में एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिससे कि जब आप लैंड करते हैं तो हील और एंकल पे आपको प्रेशर जो है वो काफ़ी कम रहे। वहीं अपर मटेरियल की बात करें तो सिंथेटिक लेदर और मेश का यूज़ किया गया है। वहीं आउटर सोल में रबर है, लेकिन अगर बात करें तो शू के अंदर जो है फैब्रिक की अच्छी खासी लाइनिंग और कुशनिंग दी हुई है, जिससे कि ज़्यादा देर तक खेलने पर एक तो स्वेट कंट्रोल तो रहे और वहीं आपको सॉफ्ट फीलिंग रहने की वजह से पैर पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील हो। प्राइस की बात करें तो 3600 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हो जाता है और डिस्काउंटेड लिंक्स नीचे शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, अगर अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर एक बहुत ही एक्सप्लोसिव, बहुत ही पॉपुलर शू है और वो है ASICS जेल रॉकेट 10। जी हाँ, इसी सीरीज़ का जेल रॉकेट 9 जो शू था वो बहुत ही पॉपुलर था, उसकी बहुत ही ज़बरदस्त सेल थी और परफॉर्मेंस उस शू की बहुत अच्छी थी। तो यहाँ ASICS ने एक ट्रूइस्टिक सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिससे कि शू के सारी लेयर्स जो हैं, मतलब इनर सोल हो, मिड सोल हो या आउटर सोल हो, इन सब को बहुत लाइट बनाया। और यहाँ पे एक जेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ एडिड बैलेंस, एडिड स्टेबिलिटी, एडिड ड्यूरेबिलिटी मिलती है, अभी तक की लिस्ट के जितने भी जूते थे उन सब में सबसे ज़्यादा शॉक एब्जॉर्प्शन और क्विक कंप्रेशन रिकवरी, मतलब शू जो है, शू के सारे सोल जो है वो अपनी पोजीशन रीगेन जो करते हैं वो सबसे फास्ट करते हैं। वहीं शू में जो मटेरियल यूज़ किया है वो है फॉक्स लेदर, और वहीं अगर आप देखेंगे तो ये फ्लेक्स ग्रूव्स जो है आउटर सोल पे जो है वो लगाए गए हैं। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी शू की इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब ये कि आपकी इंजरी के चांसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, वहीं आपका पैर जो है वो अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है, चाहे वो हील हो, चाहे वो आपका 4 फुट हो। वहीं शू की विड्थ गाइड मिलती है आपको, जहाँ पे आप अपने पैर की विड्थ के हिसाब से और टो के हिसाब से शू खरीद सकते हैं। वहीं प्राइस की बात करें तो 4800 रुपीज़ ऑनवर्ड्स शुरू हो जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन, और डिस्काउंटेड लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, ये तो थी मेरी लिस्ट, और मैं जानता हूँ काफ़ी लोग अग्री करेंगे, काफ़ी डिसअग्री करेंगे, जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। Until then, stay safe, stay healthy, watch healthy videos, and have a great day.